इस समय कहाँ है अंडरवर्ल्ड डॉन वाले वीडियो के अब तक हम कुल 6 पार्ट बना चुके हैं। उम्मीद है आप अभी तक ये सभी वीडियोस देख चुके होंगे। इन वीडियोस में हमने अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में आपको सब कुछ बताया है कि अभी वह कहाँ है और क्या कर रहे हैं, जिंदा भी है या मर चुका है। अब इसी सीरीज के अगले भाग यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और कहानी को। आज की यह कहानी भी पिछले 6 भागों की तरह ही दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में पहली कहानी होने वाली है सदा पावले की। सदा पावले का पूरा नाम था सदा शिव पावले। इसको अंडरवर्ल्ड में सदा मामा के नाम से जाना जाता था। एक जमाने में यह कबड्डी का खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन कबड्डी के अखाड़े से वह अंडरवर्ल्ड के मरघट तक किस तरह से जा पहुंचा इसका पता उसे खुद नहीं चला। 80 के आखिरी और 90 के शुरुआती दशक में बंबई अंडरवर्ल्ड का ग्लैमर ही ऐसा था कि हर अपराधी उसमें अपना नाम और रुतबा दोनों देखता था। यही वजह रही कि एक मजबूत कदकाठी का आदमी सदा पावले अब अंडरवर्ल्ड का काम कर रहा था। अंडरवर्ल्ड में आते ही सदा मामा अरुण गबली के गैंग से जुड़ गया और जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। इसकी पहचान बनी इसके वहशीपने से। कहा जाता है कि वह इतना क्रूर था कि किसी को भी मारने से पहले वह सोचता नहीं था। यही बात अरुण गबली के गैंग में उसको आगे ला करके खड़ा कर दिया। धीरे धीरे वह अरुण गबली के गैंग का रीढ़ बन गया। गैंग मेंबर में उसकी इज्जत इतनी थी कि लोग उसके नाम से नहीं बल्कि उसे मामा कहकर बुलाते थे। इस तरह से सदा मामा अब अंडरवर्ल्ड में इसी नाम से अपना जलवा दिखा रहा था और एक से बढ़कर एक अपराध को अंजाम दे रहा था। अपने गैंग के सबसे खास सदा मामा के ऊपर अब अरुण गबली भी आंख बंद के भरोसा करता था। हालांकि उसके करतूतों पर पुलिस की भी पैनी नजर थी, लेकिन वह कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया। सदा पावले का मुख्य काम वसूली का था, अंडरवर्ल्ड के भाषा में बात करें तो एक्सटॉर्शन का। निशाने पर रहते थे भाईखला और आसपास के बिल्डर्स। वह बिल्डर्स से जबरन वसूली करता था और नहीं देने पर उसको डराता धमकाता था। ऐसा कई बार हुआ जब बिल्डर्स को वह जान से मारने की धमकी भी देता था और कई बार तो वह मार भी देता था। इसी तरह से सदा पावले अपना राज कायम किए हुआ था। अरुण गबली के राजनीति में आ जाने के बाद गैंग का सारा काम सदा पावले ही देख रहा था। अब वह अपने हिसाब से गैंग को चलाना चाह रहा था। थाने के एक बिल्डर ने एक बार अरुण गबली के लिए कुछ भला बुरा बोल दिया था। खुद को शेर समझने वाला सदा पावले जाकर बैठ गया उस बिल्डर के ऑफिस में और पिस्टल निकाल कर रख दिया उसके टेबल पर। सदा पावले उस बिल्डर के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीता रहा और उस बिल्डर को घूरता रहा। इतने में उस बिल्डर की पैंट गीली हो चुकी थी। बिल्डर की हालात कुछ ऐसी हो गई थी कि उसको खाटो तो खून नहीं। फिर वह सदा पावले से माफी मांगा, लेकिन इतने से काम नहीं चला। वह बिल्डर बहुत डर चुका था और उसके आंखों के सामने अब मौत नाच रही थी। बिल्डर का यह डर उसको पुलिस थाने ले गया। उसने पुलिस में बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाते हुए वह सब बात बोला जैसा जैसा उसके साथ हुआ था। पुलिस ने उस बिल्डर को आश्वासन दिया और उसको घर भेज दिया। लेकिन इस रपट की खबर सदा पावले तक पहुंच चुकी थी। अब सदा भी बौखला गया था। उसने बिल्डर को फोन किया और कहा, तुमको सब कुछ करने का था लेकिन पुलिस के पास नहीं जाने का था। आज से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। बिल्डर समझ चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है और वही हुआ भी। कुछ ही दिनों के अंदर सदा पावले अपने आदमियों के साथ उस बिल्डर के ऑफिस में घुसा और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पुलिस महकमा अब सकते में आ चुकी थी। यह 90 के दशक के आखिरी सालों की बात हो रही है। उस समय मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हेड हुआ करते थे इंस्पेक्टर विजय सालस्कर। इस घटना के तुरंत बाद ही इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने अपनी टीम के साथ भाईखला के उस चौल में छापा मारा, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ हाथ भले ही ना लगा हो, लेकिन सदा पावले का नाम इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के हिट लिस्ट में शुमार हो चुका था। दिन बीतते गए, लेकिन सदा पावले का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर विजय सालस्कर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि सदा पावले विजय तांडेल और अपने कुछ साथियों के साथ शिरडी जा रहा है। इस टिप में सच्चाई थी। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर उसके पीछे लग गए। दिन 26 सितंबर साल 1997। इस तारीख को इंस्पेक्टर विजय सालस्कर को मिला हुआ इन्फॉर्मेशन सही निकला
पुलिस की टीम ने सदा पावली की फीएट कार को घाटकों पर ईस्ट के राजावारी रोड और एमजी रोड जंक्शन पर घेर लिया, जिसके बाद शूट आउट हुआ जिसमें सदा पावले और विजय तांडेल दोनों ही मारा गया। इस शूट आउट के बाद सदा पावले के फैमिली ने बॉम्बे कोर्ट में रिट पिटीशन दिया था, जिसमें कहा गया कि सदा पावले को घेर कर एक फेक एनकाउंटर में मारा गया है, जबकि पुलिस का वर्जन यह था कि पहला फायरिंग सदा पावले की ओर से पुलिस पर किया गया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में दोनों यानी कि सदा पावले और विजय तांडेल मारा गया। फाइनली इस केस में बॉम्बे कोर्ट ने पुलिस के वर्जन को सही माना और बाद में किसी भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही भी है, एक अपराधी की जिंदगी कितनी भी फैसिनेटिंग क्यों न हो, उसके मौत को लिखने के लिए एक बुलेट ही काफी होती है। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के मामा उर्फ सदा पावले उर्फ सदा शिव पावले की पूरी कहानी। इस वीडियो की अब दूसरी कहानी है सुभाष सिंह ठाकुर की। सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। वह 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई काम के तलाश में गया था। वहां पर वह काम भी करने लगा था, लेकिन ऐसे ही किसी मारपीट की वजह से उसका नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हो गया और अब पुलिस लगातार सुभाष को परेशान करने लगी। सुभाष सिंह ठाकुर खुद को बचाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन आए दिन पुलिस उसको थाने बुला लेती और परेशान करती। इसी परेशानी का हल उसने यह निकाला कि वह वहां के लोकल गैंग में शामिल हो गया। यह गैंग डी कंपनी का था, जिसे उस वक्त मुंबई में छोटा राजन ऑपरेट कर रहा था। छोटा राजन को सुभाष सिंह ठाकुर के रूप में लगभग 7 फुट ऊंची कदकाठी का मजबूत आदमी मिल गया था, जिसे वह जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था। अंडरवर्ल्ड में शूटर की बहुत वैल्यू होती है। सुभाष सिंह ठाकुर के व्यक्तित्व को देखते हुए राजन ने उसको शूटर बनाने का ही फैसला किया और उसको अपने सबसे खास शूटर सौत्या के साथ काम पर लगा दिया। अब सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर दोनों डी कंपनी के लिए काम करने लगा और मुंबई के सड़कों को खून से रंगने लगा। डी कंपनी अब अपने किसी भी किलिंग असाइनमेंट के लिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करती थी। 90 के दशक का शुरुआती साल, इस समय दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने सुभाष सिंह ठाकुर को अंडरवर्ल्ड में लगभग स्थापित कर दिया था। इसमें से पहली घटना है जेजे हॉस्पिटल शूट आउट। जब सुभाष ठाकुर और छोटा राजन दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे, तो उनकी दुश्मनी गबली गिरोह के साथ थी। इसी दौरान गबली ने दाऊद को गहरा जख्म दिया था, जब उसके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्कर का मर्डर कर दिया था। इस हत्या ने दाऊद को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर का बदला लेने के लिए दाऊद ने सौत्या, सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को लगाया था। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे अस्पताल में गबली के शूटर शैलेश हरदनकर का मर्डर कर दिया। इस शूटआउट की पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको दाऊद के बहनोई वाले मर्डर की कहानी का लिंक भी मिल जाएगा। आप उन दोनों वीडियोज को भी जरूर देखिए। अब आते हैं सुभाष सिंह ठाकुर की दूसरी कहानी पर। उस समय मुंबई के भांडुप में किम बहादुर थापा नाम का एक पॉलिटिशियन रहता था। उसकी सुभाष सिंह ठाकुर के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी। अब वह माफिया से जुड़े किसी भी काम के लिए छोटा राजन के बजाय सुभाष सिंह ठाकुर से संपर्क करने लगा था। यह बात छोटा राजन को अच्छी नहीं लगी थी। राजन खुद को अपमानित महसूस करने लगा था, इसीलिए वह किम बहादुर को और ज़्यादा परेशान करने लगा था। इसके बाद ठाकुर ने थापा की बात सीधे दाऊद से करवा दिया और थापा अब निश्चिंत हो गया, लेकिन ईगो के मारे राजन ने थापा को मरवा दिया। यह बात ठाकुर को अच्छी नहीं लगी और उसने भी राजन के कुछ आदमियों को मरवा दिया। अब गैंग के अंदर ही गैंग वॉर शुरू हो चुका था और दुबई में बैठा बिग बॉस यह सब देख रहा था। यहाँ से सुभाष सिंह ठाकुर अलग ही लेवल पर खेलने लगा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के बाद गैंग में बिखराव आ जाता है। इसी ब्लास्ट में जब सुभाष ठाकुर का नाम सामने आता है, तो वह भी खुद को गैंग से अलग थलग कर लेता है। मुंबई ब्लास्ट ने सुभाष सिंह ठाकुर को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद सुभाष ठाकुर को जेजे हत्याकांड में फांसी की सजा हुई थी, जो बाद में साल 2000 में उम्र कैद में बदल दी गई। अभी फिलहाल की बात करें तो सुभाष सिंह ठाकुर यूपी के फतेहगढ़ जेल में बंद है और अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहे हैं। वहां पर वह अपना हुलिया भी बदल चुके हैं और पूरी तरह से बाल और दाढ़ी बढ़ा लिया है। अब लोग उनको बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आज भी बाबा का दरबार चलता है।
हाल में सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा ने बनारस कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे दाऊद इब्राहिम से खतरा है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसे किसी भी दलील को एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर की कहानी। अब आइए आते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी कहानी पर, और यह कहानी है सुरेश मंचेकर की। सुरेश मंचेकर का जन्म साल 1964 में उस समय बम्बई के परेल में हुआ था। यह एक ऐसा एरिया है जिसके आसपास दादर, भाईखला और लालबाग जैसे एरिया हैं। इसे पूरी तरह से मराठी बेल्ट माना जाता है। सुरेश मंचेकर अपने हाई स्कूल की पढ़ाई को छोड़ चुका था और उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसको अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना है। स्कूल छोड़ने के बाद पास ही में एक गैराज में वह काम करने लगा, लेकिन उसका मोटिव क्लियर था कि उसको क्या करना है, इसीलिए उसने उस काम को भी छोड़ दिया और साल 1982 में वह अपराध की दुनिया में कूद गया। 80 के आखिरी दशक के अंडरवर्ल्ड में कई छोटे मोटे गैंग एक्टिव थे, जिसमें गोल्डन गैंग, BRA गैंग, इन सब का नाम आता है। इस सभी गैंग को मंचेकर ने अप्रोच किया, लेकिन किसी ने भी उसको अपने साथ खड़ा नहीं किया। कहा जाता है कि मंचेकर देखने में काफ़ी भोला भाला आदमी था, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी और आँखों में मासूमियत भरी हुई थी। वह किसी भी एंगल से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फिट नहीं बैठ रहा था। उसकी आँखों में वह रौब नहीं था जिससे कि वह लोगों पर धौंस जमा सके, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी कि बनना तो डॉन ही है। डॉन बनने की यही ख्वाहिश लेकर अब वह गुरु साटम के पास पहुंचा। वैसे तो गुरु साटम का अच्छा खासा नाम हो चुका था, लेकिन उसे भी एक लड़के की आवश्यकता थी जो सुरेश मंचेकर के रूप में पूरी हो गई। मंचेकर को भी अपना जगह मिल गया था। अब वह खुले दिल से अपराध करने लगा। सुरेश मंचेकर लोगों को धमकाने लगा था और वह जबरन वसूली भी करने लगा था। साथ ही वह चाकू चलाने में भी एक्सपर्ट था, जिसका इस्तेमाल वह लोगों में भय पैदा करने के लिए करने लगा था, और कई मौक़ों पर वह लोगों को चाकू मार भी देता था, जिससे उसकी दहशत बढ़ने लगी थी। इसी बीच मंचेकर ने एक्सटॉर्शन का धंधा तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही बिल्डर्स के बीच में भी वह सुलह कराने का काम शुरू कर दिया। उस दौर में जब किसी डॉन का बिल्डर्स के ऊपर कंट्रोल हो जाता था तो वह खुद को राजा समझता था। सुरेश मंचेकर भी अब लालबाग परेल का राजा बन चुका था। लोग एक फोन पर रुपये पहुंचा जाते थे। पुलिस वह फोन भी टाइप नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारे फोन STD बूथ से किए जाते थे। मंचेकर का मंच अब मजबूत हो चुका था और बम्बई अंडरवर्ल्ड में वह अपनी दावेदारी ठोक चुका था। साल 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद साल 1994 में मंचेकर फिर से एक्टिव हुआ और साल 1998 में उसके गुर्गों ने कल्याण में डॉक्टर दीपक शेट्टी का मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। यह बात मेडिकल फ्रेटर्निटी में आग की तरह फैल गई थी और पुलिस पर अब खासा दबाव भी हो गया था। इसके बाद वह कई बिल्डर्स को भी निशाने पर लिया और उसको भी मार दिया। मंचेकर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसकी दहशत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पुलिस भी अब बुरी तरह से उसको ढूंढने लगी थी। पुलिस सुरेश मंचेकर को ढूंढते हुए गोवा, बेंगलोर और इंदौर भी गई, लेकिन वह हर बार अपना नाम और पहचान बदलकर बच जाता था। पुलिस भी अब पूरे मूड में थी। वह लगातार मंचेकर के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही थी। लगभग 25 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी मंचेकर पुलिस के पहुंच के बाहर था। साल 2003 इस केस का जिम्मा मिला इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ अंग्रे को। इंस्पेक्टर अंग्रे भी इंस्पेक्टर विजय सालासकर के बैचमेट ही थे और वह भी इस काम को जिम्मेदारी से लिए और अपने मिशन पर लग गए। 15 अगस्त साल 2003 इस दिन देश आज़ादी का 56वां सालगिरह मना रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ अंग्रे को टिप मिली थी कि मंचेकर कोल्हापुर में छुपा हुआ है। अपनी टीम के साथ वह वहीं पर घात लगाकर बैठ गए। रात के 2:30 बजे कोल्हापुर बस स्टैंड के नज़दीक उज्ज्वल दीप होटल के सामने एक टाटा सुमो आकर रुकता है। उसी में से मंचेकर बाहर निकलता है। घात लगाए बैठी पुलिस सामने आ जाती है और उसे सरेंडर के लिए कहा जाता है। बदले में मंचेकर अपने पास रखे पिस्टल से फायरिंग शुरू करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा जाता है। 22 साल के मंचेकर की कहानी बस यहीं तक थी। उसके घायल शरीर को पास ही में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां भर्ती होने से पहले ही वह दम तोड़ चुका था। तो यही थी आज की यह कहानी, जिसमें आप सदा पावले सुभाष सिंह ठाकुर और सुरेश मंचेकर की कहानी सुने। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।